అనిన అనుక్షణ మనయల్లు కలియో కలికయొసీ జూడి హోణ సంతసది క్లాసినలి yes sir yes teacher టీచర్ మ్యామ్ उजबी शैतरम बसमिल्लर रहीम माँ मैं खुद जबानूँ अलकम बच्चों, मदरसा गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी से आई हूँ तो ताल्लुक हॉस्पिटल ज़िला बल्लारी बच्चों आप तमाम को है ना मेरा मज़मून साइंस है आप तमाम को इस कमरे जमात में ख़ुश आमजीद कहती हूँ अल्लामकम फिर एक बार चलो वह हम है ना आगे बढ़ेंगे कुछ पिछली क्लास में हमने क्या सीखा है उस पर रोशनी डालेंगे रोशनी ख़ते मुस्तक पर सफ़र करती है रोशनी का इनकास लाया माया पहलू आयने की जानकारी बच्चों आज इस क्लास में हम है ना आयनों के मज़ीद मज़ीद मालूम हासिल करेंगे पिछली जमात में मैंने क्या किया था मुझ म आयने के मुतल मालूम दिए थे अब इस जमात में मैं आपको इस क्लास में मैं क्या ले रही हूँ हाँ आईनों के मज़ीद मतलब मज़ीद मालूम की जानकारी आप लोगों को मैंने देना है इन सवाल के ज़रा जवाब दो बच्चों वो छबी जिसे जिस स्क्रीन पर हासिल नहीं किया जा सकता क्या कहलाती है रोशनी किस तरह सफ़र करती है आईने के ज़रिए रोशनी की समत में तब्दीली को क्या कहते हैं बोलो बच्चों हाँ बिल्कुल सही पहला जवाब क्या है वो शभी जिसे जिस स्क्रीन पर हासिल नहीं किया जा सकता मजाजी छबी कहलाती है दूसरा जवाब क्या है रोशनी किस तरह सफ़र करती? करती है रोशनी ख़ते मुस्तक पर सफ़र करती है तीसरे सवाल का जवाब क्या है आईने के ज़रिए रोशनी की सिम में तब्दीली क्या कहलाती है रोशनी का एनकास कहलाती है समझ में आया ना बच्चों तो ये क्या है या तहमीद के तौर पर आप लोगों को मैं सवाल पूछूँ अब इस सबक में हम क्या सीखेंगे आयनों के मुतल मालूम हासिल करेंगे तो इन नुकात पर ज़रा रोशनी डालो महदब और मौख़र आईने की जानकारी महदीब के महदब आईने के महदब आईने के इस्तेमाल अब महदब आयने को हम कहाँ का इस्तेमाल करते हैं इसके मतलब भी हम मालूमत हासिल करेंगे मौकर आईने के इस्तेमाल लेंसों के जरिए बनने वाली छवि के मतलब मालूम जा उसके मतलब जानकारी हासिल करेंगे लेंसों के जरिए बनने वाली छबी ये जो लेंस है ना हादसे उससे है ना शबि किस तरह होती है उससे भी मुतल मालूम हासिल करेंगे मरकोज़ और ग़ैर मरकोज़ी लेंस की जानकारी भी हम हासिल करेंगे बच्चों ज़रा गौर से देखो यहाँ पर हम कितने नुकात हैं ना मौखर और महदिब आयनों की कुर्रवि आयने इसको हम क्या कहते हैं कुर्रवी आयन सूरज की रोशनी में मौजूदा सात रंग अब लोग वो देखेंगे सूरज की रोशनी में अगर उसमें क्या है मौजूदा सात रंग होते हैं उसके मतलब भी हम जानकारी हासिल करेंगे अब सबसे पहले बच्चों कुरी आयने कुर्रई आयने कुर्रे का वही सा होता है जिसकी एक सतह चमकदार यानी एनकास करने वाली जब चमक रोशनी किसी चमकदार शह पर पड़ती तो उसका एनकास होता है अनहकासंगेज होती है तो कुर्रैया आयने की दो मिसालें हैं मौख़र आयना मोहदिब आयना तस्वीर में नजर आ रहा हूँ ना आप मुहद्द मोहदिब आयना और मौख़र आयना को कैसा पहचानेंगे महसूस करेंगे उसको भी हम आगे मैं आपको बताऊँगी चमचे की चमकदार जम, मुन सतह आईने के तौर पर काम करती है मुनहनी यानी करड मिरर कौन मिरर की सबसे आम मिसाल कुर्रबी आयने स्पेरिकल मिरर इस्पेकल मिरर यानी कुर्रबी आयने हैं कुर्रवी आज करने वाली सतह अगर मोखर है तो यह मोखर कानप मिरर कहलाता है अगर इनगया करने वाली सतह मोहतब है तो ये मोहतब कानवेक्स मिरर कहलाता है चमचे की अंदरूनी सतह मोखर आईने के तौर पर इस्तेमाल कर <coughs> चमचे की अंदरूनी सतह मौखर आईने के तौर पर दिखाई देती है अगर देखो इसके बरक्स बैरूनी सतह मोहदिब आईने के तौर पर काम करती है आप बैरूनी सतह लेकर देखिए हाँ तब तो हमारी छवि छोटी नजर आती ना हम जाते हैं मसत आईने के जरिए वाली छवि को पर्दे पर हासिल नहीं किया जा सकता आइए अब पता लगाएं बच्चों अब हम तजुर्बा करके पता लगाएं कि हम <coughs> आईने के जरिए बनने वाली छवि के लिए भी दुरुस्त है या नहीं हम आईनों के मुताल एक सरगर्मी सबसे पहले करेंगे एक स्टेनलेस स्टील चमचा लीजिए बैरौनी की सतह को अपने चेहरे पर के नजदीक लाइए और इसमें देखिए इसमें आपको अपनी छवि नजर आ रही है ना हाँ बिल्कुल नजर आ रही है अब चमचे के अंदरूनी सतह में छवि को देखने की कोशिश की छवि सीधी और बड़े साइज की नजर आ रही अंदरूनी चमचे में क्या है आपको छवि बड़ी और बड़े साइज की और सीधी अगर आप आपको चमचे को फासला बढ़ा के दूर ले जाएंगे तो आपको छवि अपनी उल्टी नजर आएगी इन्वर्टेड नजर आएगी <coughs> बच्चों देखो यहाँ पर एक तजुर्बा करेंगे हम इस तजुर्बे में हम क्या हासिल कर रहे हैं इस तजुर्बे के जरिए हम मौख़र आईने के जरिए बनने वाली मोमबत्ती की छवि की लो को है ना स्क्रीन पर हासिल करने की कोशिश करेंगे एक स्टैंड लीजिए उसमें मौख़र आईना लगाइए इसे मेज़ पर रख कर रख दीजिए गत्ते के शीट के पर एक कागज़ का टुकड़ा चश्मा कीजिए यहाँ स्क्रीन के तौर पर काम करेगा एक जल्दी ही मोमबत्ती को मेज़ पर आईने के सामने कुछ सेंटीमीटर दूर पर रख दीजिए और फासले को बढ़ाते घटाते जाइए जब तक कि हमें मोमबत्ती की लो है ना उसकी हमें स्क्रीन पर हासिल ना हो तो हमें तजुर्बे से मालूम हो गया ना तो स्क्रीन पर हासिल कर सकते हैं कोशिश करने पर हमें यह काम कर सकें और तजुर्बे के ज़रिए इसको हम साबित करें स्क्रीन को इस वक्त तक हरकत देना जब तक कि लो की वाज शबी हमें नजर ना आए याद रखो बच्चों अब तस्वीर में भी यहाँ पर नजर आ रही है हाँ। क्या है शबी हकी हाँ हकी है या मजाजी कोई बता दें नहीं बता सकते तो मैं बताऊंगी आप लोगों के ये है शबी हकीक हाँ है या मजाजी मौखर हकीकी और उल्टी शबी बना सकता है जब शय को आईने के बहुत ज्यादा करीब रखा जाता है तो शबी मजाजी सीधी और तकबीर शुदा यानी बड़ी बड़ी नजर आती बड़ी बड़ी नज़र आती है ना हाँ तो क्या होता है तकबीर शुदा नज़र आती है श ये शबी क्या है हकीकी है या मजाजी बोले तो हम मौक़र आईने के अंदर इसको हम इस्तेमाल करते हैं अब देखो बच्चों हम यहाँ पर स्टैंड मौक़र आईना मोमबत्ती और स्क्रीन पर उसकी लॉ को हासिल करें उसका ये तस्वीर है दो तस्वीरों में भी साफ साफ नजर आ रहा नहीं तो शबी हकी है हकीकी है क्या हो? नहीं मजाजी है स्क्रीन पर हासिल हो सकती है मौखरा आईने के इस्तेमाल मौखरा आईने के इस्तेमाल क्या है दांतों के डॉक्टर मौखरा आने के इस्तेमाल करते हैं दांतों की जांच करने के लिए देखो तस्वीर में दिखाई दे आँख नाक कान और गले की जांच के लिए मौकर आईना इस्तेमाल होता है क्योंकि उसमें बड़े बड़े नज़र आते हैं टार्च और मोटर गाड़ियों के हेडलाइटों में भी रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्ट के लिए भी हमें ना मौख़राइने का इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं इसका इसका जो ये रहता ना सरफेस वो कान केव सरफेस है वो क्या है कान केव सरफेस है मौख राने के इस्तेमाल याद रखो बच्चों दांतों के डॉक्टर का इस्तेमाल आँख और नाक के गले की जाँच करते हैं ना कभी आप देखें ना तस्वीर में हाँ जो तो दांत को किस तरह डॉक्टर है ना दांतों के डेंटिस्ट वो मौख राइने को इस्तेमाल करते हुए जाँच करते हैं अब आइए इस गर्मी इस सरगर्मी को सेम हम मुहदीब आने के साथ दोहराएंगे अब मोहद्दी बहाने को स्टैंड पर लगाकर हम किसी जगह पर शय की हक़ीकी छवि को हासिल करने की कोशिश करें क्या ये आपको छवि बड़ी नज़र आएगी नहीं मोहद्दी बाहने के ज़रिए बनने वाली छवि सीधी मजाजी शय के मुकाबल छोटे साइज़ की होती बच्चों मोटर गाड़ी में बोली मैं मोटर गाड़ी में मोहदी बहना लगे रहता है पीछे के बड़े बड़े लारियाँ भी छोटे नज़र आते मोहद्दी बाहने में हमेशा शय क्या है छोटी नज़र आती सीधी रहती मजाजी रहती और क्या है छोटी साइज़ की नजर आती है मोहद्दी बाइना याद रखो बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि मोटर गाड़ियों के लगे हुए अगुबा आने किस किस्म के होते हैं ये मोहद्दी आइने होते हैं किस किस्म के होते हैं ये मोहद्दी मोहद्दी ने एक बड़े इलाके की फैली हुई अशिया को छोटी सही छवि बना सकते छोटी एकदम मोटर गाड़ी में लगे पीछे के कई लारियां आते सो बड़े बड़े बस सब भी वो आईने में हमें छोटे छोटे नजर आते मोहद्दीब आईने में हमेशा क्या है आ, शबी छोटी नज़र आती इससे वो फ़ायदा होता बोल के हम क्या करते गाड़ियों में पीछे आने वाली नज़र आती बोल के मोहदी बाहनों का इस्तेमाल करते उसे क्या बोलते हैं अगबा साइड मिरर बोलते से, इंग्लिश में हाँ तो इस तरह इनसे ड्राइवरों को पीछे वाले ट्रैफिक को देखने में मदद मिलती है मिलती है ना आप देखें नहीं आपके पास गाड़ी है ना हाँ हाँ देखो यहाँ तस्वीर में नज़र आ रही एक कार जा रही कार के वो मोहद्दी बाहिनी में पीछे की ला रही एकदम छोटी नजर आ रही अगर मौका लगाए तो हमारे कार्य कार, कार का, उसकी गिली का थोड़ा हिस्सा भी नज़र नहीं आता पूरी तमाम सड़क भी पूरी फैली हुई शय भी हमें छोटी में नज़र आ रही बच्चों अब देखो हमें और एक तजुर्बा हमें एक लेंस ले रहे हैं हमें क्या करें अच्छा ले रहे हैं कौन सा लेंसों के जरिए तकबीरी आपने तकबीरी चीज़ें को देखा होगा इस्तेमाल भी बहुत छोटे लिखे हुए अल्फाज को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं अब छोटे छोटे अल्फाज लिखे हुए हैं अब हमको पढ़ने नहीं आ रहा तो हम क्या करते वो लेंसों का इस्तेमाल करते हैं लेंसों का इस्तेमाल आनक में भी करते हैं जिसे है ना कम दिखाई देता ना हाँ दूर भी नहीं नज़दीक भी नहीं उन लोगों को भी लेंस इस्तेमाल करते हैं इसको क्या कर तकबीरी शीशा कहते हैं तकबीरी शीशा दरअसल एक किस्म का क्या होता है लेंस होता है देखो इसको हम वीडियो में देखो आगे पीछे करते हैं यहाँ पर तक तस्वीर में देखो बड़े बड़े हुफ़ नज़र आ रहे हैं तो ये लेंस को ये तकबीरी शीशे को हम आगे पीछे करने से पूरा है ना मुकम्मल हमें नज़र आ रहा है ये एक लेंस है ये क्या है हाँ एक अदसा अच्छा है इसको क्या बोलेंगे हम अदसा अच्छा बोलेंगे हम लेंस को छू कर इनमें फ़र्क बता सकते हैं अब आप छू कर ये कौन सा हादसा है महदिब है या मौक़कर कानवेक्स लेंस है कान केवल लेंस है बोल के आप बता सकते हैं आप कैसा बता सकते हैं तो मतलब वो लेंस जो किनारों के मुकाबले दरमियान में मोटा हो मोहद्दिब कहलाता है, है। दरमियान दरमियान में क्या है ज़्यादा मोटे किनारों में पतले तो ये क्या है महादीप है कौन सा असा है महादीप अब इसके बरक्स वो लेंस जो किनारों के मुकाबले में दरमियान में पतले होते हैं अब इसके किनारे मोटे होते हैं और दरमियान में ये असा ये लेंस क्या होता है पतला होता है इसे हम क्या कहते हैं मौखर लेंस कहलाते हैं लेंस शाफ लेंस क्या है हमेशा शफाफ होते हैं और रोशनी से रोशनी का इनसे गुजर होता है जैसे कि तस्वीर में दिखा गया रोशनी गुजर रही नहीं इधर से गुजर रही इधर से निकल रही है अच्छी तरह देख लो बच्चों रोशनी क्या है मोहद्दब लेंस क्या है दरमियान में मोटे होते हैं जिसके मुकाबले में हाँ किनारों के मुकाबले किनारे पतले होते हैं यहाँ पर मौखकर लेंस में किनारे पहने मोटे होते हैं और दरमियान में पतले होते हैं एक महदब लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली रोशनी को एक नुकते पर मरकूज़ कर देता है अंदर की तरफ मोड़ देता इसको हम मरकजी लेंस कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं देखो रोशनी पड़ रही तो पूरी रोशनी को एक नुकते पर वो मरको कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे हाँ मरकजी लेंस कहेंगे मखर लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली रोशनी को फैला देते हैं यानी अपनी ऊपर तरफ पड़ते ना मोड़ मोड़ देते इसलिए इसे गैर मरकजी लेंस डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं रोशनी जब इसके ऊपर से गुजरती तो ये एकदम फैला रहे हैं तस्वीर पर नजर आ रहा देखो हाँ तो रोशनी इधर से आ रही इधर से फैल रही डाइवर्ज कर दे रहे हैं रोशनी को एक मोहत लेंस लीजिए और इसे किसी स्टैंड में लगाइए इसे मेज पर रख दिए लेंस से कुछ फासले पर जलती हुई मोमबत्ती रख दीजिए लेंस के दूसरी तरफ रखे पेपर स्क्रीन पर मोमबत्ती छवि को हासिल करने की कोजी। कोशिश कीजिए आप लोग के वाज छवि हासिल करने के लिए आपको स्क्रीन के लेंस की तरफ या लेंस से दूर खिसकाना पड़ता है देखो आप हाजिल हासिल हुई ना मोहदब लेंस में भी स्टैंड में है मगर क्या है वो छोटी नज़र आ रही नहीं तो जिस तरह हम मौकर आईने में भी हम एक स्टैंड पे लगा कर उसकी लौक मोमबत्ती मौ, की लोक छवि को हासिल करने की कोशिश की और हम उसमें कामयाब भी हो चुके हैं अब यहाँ पर महदिब आने पर यही तजुर्बा हम दोबारा दोहरा रहे हैं ना हाँ देखो बच्चों स्टैंड पर लगा कर आप इन लेंसों से आपको किस किस्म की छवि हासिल होगी महदब लेंस हकी हाँ और उल्टी छवि बनाता है महदब क्या करता है उल्टी बनाता है जबकि शय को लेंस के बहुत ज़्यादा करीब रखा जाए रखा जाता जब लेंस को है ना करीब रखा गया तो वो क्या करता छवि को उल्टी बनाता मजाजी सीधी और तकबीर शुदा शबी बनती है जब चीज़ों को बड़ा देखने के लिए महदब लेंस का हम क्या करते चीज़ें छोटे रहे तो बड़ा देखने के लिए महदब लेंस का इस्तेमाल करते हैं इसे तकबीरी शीशा कहते हैं इसे क्या कहते हैं बच्चों याद रखो तकबीरी शीशा का जैसा न्यूज़पेपर में अभी पिछले इसमें तस्वीर में वीडियो में देखना ऐसा हाँ तकबीरी शीशा इस तरह मोकर लेंस कान के लेंस के जरिए बनने वाली छवि का मुताल कीजिए आप देखेंगे कि मोकर लेंस के, के ज़रिए हमेशा मजाजी सीधी और शय के मुकाबिल छोटे साइज़ की छवि बनती कैसी बनती है छोटे साइज़ की छवि बनती है इसमें हाँ देखो आप अब तो दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा ना हाँ आगे बढ़ेंगे बच्चों क्या सूरज की रोशनी सफ़ेद है या रंगीन कभी आपने सोचा होगा सोचा है कोई भी नहीं सोचे सूरज की रोशनी सफ़ेद नज़र आ रही सफ़ेद सूरज की रोशनी सफ़ेद नज़र आती मगर असल में उसमें मौजूदा रंग होते क्या आपने कभी आसमान में खौसे खजा के रंग देखे हैं मुशायदा करें कभी देखें आसमान पे हाँ कि ये बारिश के बाद उस वक्त नज़र आता जब सूरज आसमान में नीचे हो तो खौसे खजा एक बनती है एक बड़ी खौज की शक्ल में नज़र आती है जो कई रंगों पर मुश्तमिल होते हैं पता है बच्चों उसमें कितने रंग होते हैं कभी बारिश धूप में बारिश होती ना सूरज आसमान में नीचे होना ऊपर नहीं तब नजर आते खौसे खजा में कितने रंग होते हैं खौसे खजा में सात रंग नजर आते हैं सुर्ख नारंगी जर्द हरा नीला आसमानी और बैगनी सात रंग याद रखो बच्चों सुर्ख नारंगी जर्द हरा नीला आसमानी और बैंगनी कौसे ख़ा के सात रंग होते हैं रेनबो बोलते हैं अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं रेनबो आपने देखा होगा आप जब साबुन के बुलबुले बनाते फूकते हैं ना बुलबुले हाँ रंग ही नज़र साबुन के बुलबुले बनाए उड़ने लगे तो इस तरह जब रोशनी डिस्क डिस्क रहता है ना कॉम्पैक्ट डिस्क सी डी सी डी बोलते ना सी डी यहाँ तस्वीर पर देखो हाँ तो इसे सतह मुनस होती है इसकी सतह क्या है एकदम सफ़ेद होती मगर मुनस होती है इसमें कई रंग नजर आते हैं इन तजुर्बा की बिना बुनियाद पर हम क्या कह सकते हैं बोलो कि सूरज की रोशनी मुख्तलिफ़ रंगों का आमेजा है आमेजा के बोले तो दो ऐसे ज़्यादा मिलने वाली चीज़ को आमेजा बोलते हैं ना हाँ तो इससे क्या साबित हो रहा है इन तजुर्बा को हम देख रहे डिस्क में देख रहे खौज ख़जा में सात रंग है हाँ तो और एक तजुर्बा करेंगे बच्चों एक मंशूर लीजिए आप एक मंशूर है प्रिज्म बोलते हैं अंग्रेज़ी में इसको प्रिज्म सूरज की रोशनी का उसको है ना बीम को सात रंगों में एक देखो यहाँ पर तस्वीर में एक मंशूर में सूरज की रोशनी एक तरफ से गुजर रही दूसरे तरफ से क्या है सात रंगों में बिखर रही है सुराख से आने वाली सूरज की रोशनी को बीम पर रख दीजिए और वह दूसरे रुख से बाहर निकलने वाले रोशनी को एक कागज़ के रोशनी की किसी कागज़ या दीवार पर डालिए क्या नज़र आएगा आप आप क्या मुशाह करेंगे आपने क्या देखा होगा आपको खौज खजा के जैसे सात रंग नज़र आएंगे इससे जाहिर होता है कि रोशनी सात रंगों पर मुश्तमिल होती है सूरज की रोशनी सफ़ेद होती है इसका मतलब सफ़ेद रंग में सफ़ेद रोशनी में सात रंग मौजूद होते हैं आज हम कितने तजुर्बे किए हैं मनशूरगा किए हाँ डिस्क पे देखे और साबुन के बुलबले पर भी देखे ना फूकें तो रंगीन नज़र डिस्क पर भी नजर आते हैं। और एक तजुर्बा करेंगे बच्चों एक आप है ना एक ऐसा गोल एक पाँच कतर दस कतर वाला लीजिए एक गत्ता कट कर लीजिए उसे है ना सात रंग लगा सात रंग भरिए उसमें बराबर उसको निस्कुत बराबर खुदर के है ना उसमें क्या करेंगे रंग भरेंगे रंग भर के नोकदार पेन या पेंसिल ले कर हमें उसको है ना लगा के उसे घुमाएँगे अब इस डिस्क को है ना दस सेंटीमीटर एक खुदर के गत्ते की डिस्क है इसको है ना हम घुमाएंगे घुमाने से हमें क्या नजर आ रहा हौसे खजा के सात रंग भरे थे अब डिस्क को जब दरमियान में एक बॉल पेन के रिफिल या नोक से है ना किसी तेज दर से घुमाने लगे तो जब ये घूमे तो हमें क्या नज़र आई एक सफ़ेद रंग नज़र आया तो रंग एक दूसरे में मिल जाते हैं डिस्क सफ़ेद नज़र आती है इस कस्म की डिस्क को हम क्या कहेंगे न्यूटन डिस्क इसको क्या कहेंगे न्यूटन डिस्क आप है ना अभी फ़ैन के जो नीचे का हिस्सा है उसे भी आप क्या कर सकते वो एक सफ़ेद पेपर लेके साथ है ना रंग भर के आप फ़ैन को लगा दीजिए सीलिंग फ़ैन पर जब पंखा घूमेगा तो वो सात रंग आपस में मिलकर क्या नज़र आएंगे एक सफ़ेद रंग नज़र आएगा बच्चों हम इस क्लास में हम क्या क्या सीखे कोई बता सकते हैं याद है आपको अब मैं बताऊंगी आपको हाँ तो इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा महदिब और मौख़र आने की जानकारी महद्दिब और मौख़र आने की जानकारी सीखी और क्या सीखे महदिब आने के महदी इस्तेमाल महदीबा आयना इस्तेमाल का होता गाड़ियों में इस्तेमाल होता मौखराइने के इस्तेमाल मौखराने के इस्तेमाल कहाँ होते हैं डॉ डांटों के डॉक्टर कान और नाक गले की जांच के लिए हाँ तो मौखराने के इस्तेमाल करते हैं ना समझाई थी ना याद है हाँ याद रखो बच्चों से लेंसों के जरिए बनने वाली शबें अब लेंसों के जरिए बनने वाली शबे के मतलब क्या हकीक होती है मजाजी होती है मोमबत्ती की लवों को है ना है। स्क्रीन पर हासिल कर सकते हैं या नहीं अब आगे क्या सीखे मरको और गैर मरकोज़ ऐसे लेंस महदीब और मौखर लेंस जो रोशनी को मरको करते हैं यह है ना मरको एक नुक़े पर रोशनी को मरको करते हैं और ऐसे लेंस जो है ना रोशनी को मंतशर करते हैं डाइवर्जिंग लेंस तो इन आंसों के बारे में भी हम जानकारी हासिल करें बच्चों अब है ना हम मश्क करेंगे मश्क़ के कुछ सवाल कहें आप इसको हाँ हल हा? करेंगे बच्चों आप सही बयानात को सही बताइए और गलत बयानात को ग़लत बताइए अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे आयनों की ये सबक ही हमारा क्या है कुर्रवी आयने आयने कुर्रवी आयनों की सबसे मिसाल क्या है कुर्रवी आयनों की दो किस्में एक महदब एक मौखर अब महदब आयना है ना क्या करता है तमाम फैली हुई अशिया को है ना समेट कर छोटी नज़र आने लगती आती ना मौखर मौख़र आयना क्या है उल्टी छवि बनाता और बड़ी बनाता है तो मौख़र आने के इस्तेमाल लेंसों के इस्तेमाल हम मौकर आने के जरिए हकीकी और बड़ी उल्टी छवि बना सकते हैं बुल्के जान जान चुके हैं हकीकी छवि को स्क्रीन पर स्क्रीन पर हासिल नहीं किया जा सकता या किया जा सकता आपको पता होना चाहिए अब मैं है ना यहाँ पर चल बयान दिए हुए उस बयान को आप क्या करेंगे सही गलत की निशानदेही करेंगे नंबर एक हम महदब आईने के ज़रिए सीधी और बड़ी छवि हासिल कर सकते हैं आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स मौकर लेंस हमेशा मजादी छवि बनाता है ट्रू है या फॉल्स हम मौकर आईने के जरिए हकीकी बड़ी और उल्टी छवि हासिल कर सकते हैं गलत है या सही बताना है हकीकी शबी को स्क्रीन पर हासिल कर नहीं किया जा सकता है सही है या गलत मौकर आइन हमेशा छवि बनाते हैं तो ये मशक़ी आते हैं मैं आपको हल कर देती हूँ तो पहला क्या है हम महदिब आईने के जरिए सीधी और बड़ी छवि हासिल करते हैं ट्रू पहला क्या है सही अब दूसरा क्या है मौकर लेंस हमेशा मजादी छबी बनाता है ये क्या है फॉल्स यानी गलत है यफ़ यफ से हम गलत को ज़ाहिर करेंगे हम मौकर आईने के ज़रिए हकीकी बड़ी और उल्टी छबि हासिल कर सकते हैं तो ये सही है ना सही है कि नहीं सही को किससे बताएंगे टी ट्रू टी यानी ट्रू सही को हम टी के निशान लगाएंगे गलत को एफ़ के निशान लगा हकी छबी को स्क्रीन पर हासिल नहीं किया जा सकता है हाँ तो तजुर्बा तो करके देखें हम लोग देखे नहीं तो हासिल कर सकते क्या हकीकी से भी नहीं मजाजी होती है वो हाँ तो इसे क्या है ट्रू क्या लिखेंगे हम इसे ट्रू मौख़राइना हमेशा हकीकी छवि बनाता है मौख़र आना क्या करता है हमेशा हकीकी छबी बनाता है तो इसे हम क्या बताएंगे टी यानी ट्रू से ज़ाहिर करेंगे जवाबत आपको मिल गया और मशकी सवालत हैं आपके पास कुर्रैया आने की किस्में कौन सी हैं कुर्रैया आईने की कस्में कौन सी किस किस्म का लेंस हमेशा मजाजी शबी बनाता है सवाल नंबर तीन मौखर महदब आईने के एक एक इस्तेमाल बताइए सवाल नंबर चार खौज ख़ज़ा के रंग कितने होते हैं तो अब देखो बच्चों जवाब। पहले सवाल का जवाब क्या है कुरी आयने की किस्में कौन सी हैं जवाब कुर्रई आयने की दो किस्में हैं मौखर आयना महदब आयना अब सवाल नंबर दो किस किस्म का लेंस हमेशा मजाजी छवि बनाता है जवाब महदब लेंस हमेशा मजाजी सभी बनाता है सवाल नंबर तीन मौखर और महतीब आईने के एक एक इस्तेमाल बताइए मैंने आपको बताया ना दांतों के डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं हाँ तो मैं कौन सा आयना इस्तेमाल करते मर दांत और गले और नाक जा, जांच करने के लिए नाक और कानों के लिए मोखर जब आप क्या लिखेंगे आप मोखर आयनों को दांतों के डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं अब महदिब आईने के इस्तेमाल महदिब आईने को मोटर गाड़ियों में पीछे के जो नजर आना ना हाँ पीछे की गाड़ी नजर आना तो मोहती बहनों को मोटर गाड़ियों में इस्तेमाल किया किया जाता है बच्चों खौज खज़ा के रंग कितने होते हैं सवाल में है खौसे खज़ा के सात रंग होते हैं आपने देखा ना आसमान पर जब बारिश होती है सूरज जब में आसमान के आसमान में नीचे होता है तो तब क्या खौज ख़ज़ा के रंग पड़ते हैं खौज कज़ा में कितने रंग होते हैं नाम बताइए सुरखरा नारंगजी नीला और बैंगनी हाँ तो ये सात रंग होते हैं अब बच्चों आपको मैंने घर पर काम लेना है अब पूरा सबक आपको समझ में आ गया मोखर आयना महदिब आयना कुर्रवी आयने मरकजी मरकज़ी लेंस गैर मरकज़ी लेंस और क्या है महदब आयने के इस्तेमाल मोखर आयने के इस्तेमाल अब आपको है ना अपना सबक याद करते हुए कल इसको है न घर पर काम आपको करके लाना है तो आप है ना पिछला एक यादा कर लो आप याद कर लो तो अच्छी तरह समझ में आ गया पहले सबसे पहले रोशनी के सबक़ में हम ख़मस्तकीम के पर पढ़े थे अब इस सबक में हम क्या करेंगे रोशनी ख़त मस्तकम पर सफ़र कर रही थी पढ़े दाया बाया पहलू पढ़े फिर बाद में से क्या पढ़े रोशनी का इनकास पढ़े अब इस सबक में हम रोशनी के इस सबक में हम क्या पढ़े कुरवी आय आयनों के मुतल पढ़े और ख़ौ ख़जा के रंग के मुतल पढ़े सफ़ेद रंग हमेशा क्या है सूरज की रोशनी सफ़ेद रंग अब घर पर काम को हम बच्चों आप क्या करो कॉलम ए कॉलम ए और कॉलम बी को यहाँ पर ना कॉलम नंबर एक कॉलम नंबर दो दिया गया है मुस्त आयन स्माल ए बी से यहाँ पर कॉलम ए में स्मॉल ए बी से ज़ाहिर किया गया कॉलम ए मुस्त आयन बी मुहद आयना सी मुहद लेंस डी मर लेंस मखर आयना सी ई e, मौखर लेंस तो देखो बच्चों एक तरफ है ना मौसत आईना महदब आईना मोहदब लेंस मौखर आईना मोहदब लेंस लेंस और आईने में फ़र्क होता है बच्चों तो अब यहाँ कॉलम दो पर अब इसको जोड़ लगाना है आप कैसा जोड़ लगाएंगे आप अपने घर में ये सब काम करके आना है कॉलम बी में क्या है नंबर एक तकबीरी शीशे तौर पर इस्तेमाल किया जाता है नंबर दो बड़े इलाके में फैली हुई अशया को छबी बना सकता एक बड़े इलाके में पहली हुई अशिया को हम छोटे में देख सकते हैं वो कौन सा आईना आपको जोड़कर बताना है नंबर तीन दांतों के डॉक्टर दांत की बड़ी छवि हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा आईना है तो आप वहाँ पर उसको मैच करना है मैच करके लाना है जोड़ करके लाना है अब नंबर चार छवि हमेशा उल्टी और तकबीर शुदा होती है छवि क्या होती है हमेशा उल्टी और शब वो कौन सा आईना है तो आपको कॉलम ए में नज़र आएगा वो वो याद करके है ना उसको मैच करके कल लेकर आना है मालूम अब देखो नंबर पाँच में क्या दिया गया है छबी सीधी और शे के मसावी साइज़ की होती है छबी कैसी होती है सीधी और शय के मसावी साइज़ की होती है कॉलम ए में वो कौन सा आईना है उसे आपको जोड़ कर लाना है अब बच्चों यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे कॉलम एक में पाँच दिए गए हैं कॉलम नंबर दो में है ना रोमन नंबर दो कॉलम में छः दिए गए तो आपको एक चूज़ के तौर पर छोड़ देना है एक आपको उसको छोड़ देना है तो नंबर छः वहाँ क्या है शबी सीधी और शय के मुकाबिल छोटी होती है एक आपको ज़्यादा तौर पर दिया गया है ताकि आप उसको पहचाने और उसको है ना अब जो ज़्यादा अच्छा समझ सकें वो है ना गलत कभी नहीं करके लाते ये घर पर काम करके लाओ सबक समझ में आ गया ना अच्छी तरह समझ में आ गए हाँ कुर्रविया आए ने मोहदब आयना मखकर आयना मखर लेंस महदिब लेंस रेनबो खौसे खजा, खौसे खजा के रंग सफ़ेद रोशनी सब भी इसके बाद मतलब हम मालूम हासिल किए अब सबक को सबक को हम ख़त्म करते हुए आप लोगों को है ना कुछ नसीहतें करती हूँ बच्चों अब हमेशा है ना क्या करो नहा धोकर साफ सुथरा रहा करो हाथ हमेशा धोना क्योंकि अब मालूम है ना अब हम किस दौर से गुजर रहे हैं हाँ तो हमें सफाई का खास ख्याल रखना और जो भी हम क्लास में पढ़े उसको याद करके आना हाथ धो लेना हाथ धो लेना हमेशा मास्क लगाना बाहर जब भी जाते मास्क लगाना मास्क लगा के बाहर जाना अच्छा बच्चो अल्लाह हाफिजी